हमें लगता है उसे समाज का भी दोष है, फौजियों का भी दोष है। फौजी जब रिटायर होता है तो किसी अच्छे बड़े संस्थान या सिविलियन से ज़्यादा उसकी मेल मुलाकात नहीं होती, वो समाज से दूर होता जाता है। जब तक फौजी अपने आप को रिटायरमेंट के बाद समाज में जुड़ेगा नहीं, तब तक समाज उसके गुण को जान नहीं पाएगा। एक तरफ है कि जैसे हमारा प्रदेश है वो स्पेशली पूर्वांचल, इसमें फौजियों का सम्मान बहुत कम है, लेकिन मैं देखा हूँ जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पूरे गांव के गांव फौजी हैं, लोगों में सम्मान है। और इसमें कहा ना, दोनों का कसूर है। फौजी भी अपने आप को सिविलियन नहीं बना पाता। मैं रिटायर फौजी हूँ, मैं अपने आप को सिविलियन बनाया हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ जुलता हूँ, तब लोग मुझे जानते हैं, मैंने समाज के लिए कुछ काम किया है, इसलिए लोग याद करते हैं। आपको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए हम यही बताएंगे कि जो फौजी रिटायर होता है उसे लोग याद तभी करेंगे जब उसके जो उसके पास गुण है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। ये सौभाग्य की बात है कि भारत विकास परिषद की मऊ शाखा जो काशी प्रांत के अंतर्गत आती है, इस शाखा के द्वारा सैनिकों के सम्मान का एक बड़ा कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत विकास परिषद के नीति के अंतर्गत इस देश में जो मेधावी छात्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने समाज को कुछ न कुछ अपना योगदान किया है, उनमें सैनिक भी बहुत बड़ी संख्या में इस देश की रक्षा के लिए अपना योगदान करते हैं। ऐसे सब लोगों का सम्मान करना, उनका आदर करना, इस देश के द्वारा, जनता के द्वारा उनका नमन करना, यह परिषद के माध्यम से संपन्न होता है। इस सम्मान के आयोजन के द्वारा इस नगर में रहने वाले जो फौजी भाई हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान किया, उनका सम्मान करना, उनके परिवारों को याद करना और उनके त्याग और बलिदान को स्मरण करना हमारे इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।